गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको एल्केन के बेसिक्स पढ़ाए थे, राइट। और आपको मैंने ये बता दिया था कि एल्केन में दो तरीके का आइसोमेरिज, एल्केन के आईपीएसी तो आप जानते हैं, एल्क प्लस एन दैट इज एल्केन, राइट। अब आज हम लोग आईपीएसी उसका मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आइसोमेरिज उसमें कौन कौन सी होगी, तो चेन आइसोमेरिज होगी। क्या होगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में चेन आइसोमेरिज होगी और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज होगी, जैसे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज ऑफ इथेन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन लॉ पढ़ा है ना, तीन तरीके का स्ट्रक्चर होता था, स्टैगर्ड फॉर्म, स्क्यू गाउचे फॉर्म और एक और कौन सा था, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा ये लिख ले आइसोमेरिज में, हेडिंग डाल के लिख लीजिए आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज, और एक और दे सकता है एल्केन है, बस यही दो ही देगा, उसके बाद क्या ही होगा, पोजीशन में होगा, पोजीशन कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। चलिए फाइन, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज प्रिपरेशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चलिए सबसे पहले लिखिए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसी रिएक्शन को कहते हैं सेबातियर सेंडन्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग ये मत लिखिएगा, केवल आप प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लिखिए और फिर एक एक करके सब पढ़ेंगे ही, तो क्या करने, एक साथ तीनों की हेडिंग लिखें फिर लिखें दो बार। सबसे पहले लिखिए फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक रिएक्शन कराएंगे एल्कीन या एल्काइन, दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक्चुअली ये कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपली एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सी है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम सेबातियर सेंडन्स रिएक्शन। क्या हो गया? सेबातियर सेंडन्स रिएक्शन। अब होगा क्या, हमने क्या कराया कि एल्कीन या एल्काइन, तो क्या देखिए एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकिल, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैटलिस्ट की तरह, तो हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एल्केन, ठीक है। चलिए, और इस रिएक्शन को हम सिंपली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक स्टार बना के कहीं पॉइंट लिख लीजिए अलग से, लिखवा रहे हैं बेटा, पहले जितना कहने हैं उतना लिखिए, स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन, हो गया। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स, यहाँ तक हो गया। चलिए साइड में लिख लीजिएगा बस। चलिए अब यहीं पर पढ़ते हैं अपने काम की चीज़, आप कह रहे थे ना बेटा कि इसकी सर डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो इसी को सिंपली एक और शब्द लिख लो, हाइड्रोजिनेशन, लिखिए। हमने यहां पर किया क्या, लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन लिया। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, ये एल्कीन हो सकता है या एल्क
काइन हो सकता है। और हमने जब इसका क्या कराया तो कहेंगे सिंपली आप कराएंगे हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कौन कौन से कैटलिस्ट थे, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। अब एक शब्द था रिने निकेल, क्या था ना रिने निकेल। रिने निकेल का क्या मतलब होता है, निकेल के टुकड़े हैं। तो लिखिए निकेल एल्युमिनियम और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। ओके, एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसका कराया हाइड्रोजिनेशन। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर नोट करो काजल क्या बन गया, एल्केन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने ले लिया एल्काइन, क्या ले लिया एल्काइन, और इसका आपने क्या कराया हाइड्रोजिनेशन, आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा CH3। ओके, समझ में आ गया, आया ना। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। अब आप आगे से लिखिएगा बेटा। नहीं बेटा, स्टार्ट तो 3:30 पे हो गई थी। मैं इसके पहले भी लिखा है। चलिए तो एक एग्जांपल देखिए। अब मैंने एल्कीन और एल्काइन दोनों का एग्जांपल लिखवा दिया था। ये है एल्कीन, और एल्कीन को जब हमने रिने निकेल से हीट किया और हाइड्रोजिनेशन कराया तो वो क्या मिलेगा भैया, रिस्पेक्टिव क्या मिलेगा, एल्केन। तो ये जनरल फार्मूला के फॉर्म में लिख लीजिए, CnH2n + H2 gives CnH2n + 2। मैंने पीछे एग्जांपल से ऑलरेडी सिखा दिया है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़े बच्चों। चलिए एग्जांपल देखिए, क्या इसमें कोई दिक्कत बताइए। हाँ, मैंने सिखाया अभी ये बात। चलिए फाइन, ये वाला बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रोपीन से क्या बनेगा, प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अब एल्काइल हैलाइड से क्या हटाना पड़ेगा, हम HX और क्या लगाएंगे, मतलब वहाँ पे हैलोजन हटाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ पे क्या लगाना होगा, हाइड्रोजन, तभी एल्केन बनेगा। तो इस तरीके की रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में तो क्या होता है, रिडक्शन, क्या रिडक्शन। तो अब हेडिंग डालिए बाय रिडक्शन, पहले देख लीजिएगा फिर मैं उसको लिखवा दूंगा सिंपल फॉर्म में। अब देखिए क्या हुआ,
डिडक्शन। अब देखिए हो क्या रहा है, बस यहाँ पर देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि अगर मैं फ्लोराइड को छोड़ दूँ, एल्काइल फ्लोराइड को छोड़ करके, चाहे फिर एल्काइल क्लोराइड हो, एल्काइल ब्रोमाइड हो या एल्काइल आयोडाइड हो, इस रिएक्शन को देगा, एल्काइल क्लोराइड नहीं देगा। ये पॉइंट नोट कर लो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट क्लोराइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड हो गया। जब हम इसको ट्रीट करते हैं जिंक के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ, तो ये क्या बनाता है, रिस्पेक्टिव एल्केन। हालांकि सिर्फ यही एक मेथड नहीं है, इसके अलावा ऐसे कई सारे मेथड हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मेथड से आप मीथेन भी बना सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक पॉइंट स्टार करके लिखो, अभी आप लोग रिएक्शन मत लिखिएगा, जितना मैं बोलूँ सिर्फ इतना, केवल ये पॉइंट लिखिएगा, ये पॉइंट लिखिए और ये एक रिएक्शन लिख लीजिए बस। अभी मैं लिखवाऊँगा रिएक्शन मैं खुद, केवल आप ये दो पॉइंट लिखिए, रिडक्शन ऑफ मेथाइल क्लोराइड विद जिंक, चाहो तो ये लिख सकते हो यहाँ से, चाहे तो सिर्फ सिंपली रिएक्शन लिख सकते हो, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिएक्शन लिख लो, मेथाइल क्लोराइड है, आपने इसका हाइड्रोजिनेशन कराया, आपने इसको क्या किया, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्या बोल रहा हूँ, मिथाइल क्लोराइड था, इसमें से आपने ये बॉन्ड तोड़ा और आपने क्या बनाया, दोनों हाइड्रोजन लगाया दो जगह, और क्या प्रोडक्ट बना, मीथेन और HCl। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, बस ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी मैं फिर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, चले आगे बढ़ जाए। Yes or no? सेंटेंस में भी लिख रहे हैं क्या, लिख लीजिए, चलिए मन है तो लिखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब लिखिएगा रिएक्शन, ऐसे लिखिए, अब लिखिए रिएक्शन, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिंक और H प्लस एसिडिक मीडियम, और क्या क्या लिख करके आ सकता है, लिख करके आ सकता है HI और रेड फॉस्फोरस, और लिख के आ सकता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, और क्या हो सकता है, जिंक कॉपर और एल्कोहल, सेम रिएक्शन, जिंक और HCl, और क्या हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज Not for tertiary alkyl halide, only for primary and secondary alkyl halide. इसके बाद आ सकता है NaDH4. This is not for primary alkyl halide. For secondary and tertiary alkyl halide. Okay, तो मैंने आपको कई सारे reagent पढ़ा दिए एक साथ, सब क्या कराएंगे, reduction, है ना? बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़ जाएं।
हो गया, यहाँ तक हो गया। चलो आगे देखते हैं, ये सारा पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। वो एल्काइन वाला नहीं लिखा था क्या? वहीं पे एक बार एल्काइन वाला भी लिख लो, मुझे लग रहा है एल्काइन वाला मिस आउट हो गया था। हाँ खाली लिख लो, रिएक्शन लिख लो, CnH2n-2, CnH2n+2 लिखा था ना, वहीं थोड़ा सा लिख लो, ये वाला मिस आउट हो गया था। CnH2n-2 लिखा होता है एल्की एल्काइन, पीछे जाओ, एल्की लिखा है ना, एल्काइन नहीं लिखा है, हो गया है। CnH2n लिखा था ना, CnH2n-2, एक और रिएक्शन लिख लो उसी में जल्दी से नीचे, CnH2n-2+2H2, रिनेनिकल, बाकी रिएजेंट तो सेम है, तो डॉट डॉट कर देना और तुरंत बना देना CnH2n+2। ये लिख लेना, ये मिस आउट हो गया था, यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हुआ क्या रहा है, देखिए जो बात मैंने आपको लिखवाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जिंक और HCl के अलावा आप और कोई दूसरी एसिड ले सकते हैं, लाइक जिंक और एसिटिक एसिड, जिंक और NaOH। देखिए आपकी कॉपी में लिखवाया है कि नहीं मैंने, जिंक और NaOH, राइट। तो कई सारे लिखवाए हैं लेकिन हर चीज़ नहीं लिखवाई सकती। देखिए लिखवाया है कि नहीं, HI और रेड फॉस्फोरस लिखाया है कि नहीं, सोडियम और एथाइल एल्कोहल लिखवाया है, एल्कोहल लिखा है, दैट इज C2H5OH लिख सकते हो, जहाँ एल्कोहल लिखा है वहाँ एथाइल एल्कोहल लिख सकते हो C2H5OH, ठीक है। जिंक कॉपर और एल्कोहल लिखवाया है मैंने, वहाँ भी लिख सकते हो, एल्कोहल कौन सी है, एथाइल एल्कोहल। और एक चाहो तो ये दो नोट कर लो, और जिंक और एसिटिक एसिड और जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो और नोट कर लो उसी में। अरे वहीं पे जगह नहीं है तो ऊपर नीचे कहीं लिखो, रिएक्शन ऐसे तुमको याद ही नहीं रहेगी, और करके कहीं साइड में लिख लो, रिएजेंट जहाँ लिखी हो सारे वहीं साइड में लिखो, 6-7 तक लिखा है ना, नंबर लिखा है, 8-9 कहीं लिख लो बगल में, समझ में आ गई बात। कभी एग्जाम में आ जाए, देखो देखो मैंने सबसे पहले लिखवाई है जिंक ऑब्लिक एच प्लस, इसका मतलब है कि एसिड है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल आपको पता रहेगा तो आपको करने में आसानी होगी। चलो ये प्रोडक्ट कोई बना सकता है क्या बताओ? मुझे लग रहा है CH3CH3 दैट इज C2H6 बनेगा, कोई दिक्कत? चलो ये वाला प्रोडक्ट बताओ, 1-chloropropane है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन, अरे एल्केन बन रहा है ना। चलो चलो अच्छा एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, वर्ड्स पढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ। लिखा है CH3CH CH3Cl और हमने इसको ट्रीट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या NaBH4 से, प्रोपेन। अच्छा इसकी डिग्री बता सकते हो, देगा कि नहीं देगा, एक्सेप्शन लिखवाया था क्या, पढ़ो, 3 डिग्री के लिए और 1 डिग्री के लिए। NaBH4 लोगे तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे टर्शियरी एल्काइल, ये सेकेंडरी है, क्या है पता नहीं कौन 3 डिग्री बोल रहा था, कोई बोल रहा था क्या 2 डिग्री था, तो सेकेंडरी है इसीलिए देगा, बिल्कुल सही आंसर है CH3CH2CH3 दैट इज प्रोपेन, और साथ में क्या बन जाएगा HCl, ये इसकी डिग्री क्या है भैया, तो कहेंगे 2 डिग्री, ठीक है। अगर ये टर्शरी होता तब नहीं देता, LiLH4 से नहीं देता, NaBH4 से दे देता, है ना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अब हेडिंग डालिए वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या है तो लिख लीजिए, इसमें हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन, क्या सिमेट्रिकल एल्केन। चलिए
तो लिखो केवल ये पॉइंट, ये केवल लास्ट वाला पॉइंट, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर हायर एल्केन, हायर एल्केन का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ रही है, ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मैं यही लिख दूं हायर सिमेट्रिकल एल्केन एक साथ, ताकि दोबारा ना लिखना हो, हायर सिमेट्रिकल एल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो यही सिखा दे रहे हैं। बात समझ में आ गई, केवल ये पॉइंट लिखना है, बाकी ऊपर का मत लिखिएगा, क्योंकि मैं रिएक्शन में ऑलरेडी उसको लिखवा दूंगा। हो गया, चलो एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑड नंबर क्यों नहीं, लिखो व्हाई नॉट ऑड नंबर एल्केन, क्या होगा, मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, मिक्सचर, लिखो बिकॉज, क्यों लिखो, बिकॉज बाय दिस रिएक्शन ए मिक्सचर ऑफ एल्केन, बाय दिस रिएक्शन ए मिक्सचर ऑफ एल्केन, हमने पहले भी पढ़ा रखा है इसको, आर ऑब्टेन विच हैव लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट। ऐसा हो सकता है आपने लिखा, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3Cl और आपने ले लिया CH3CH2Cl और आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया दो मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपको पता है क्या क्या बन जाएगा, CH3CH3 बन जाएगा, C2H5C2H5 बन जाएगा और CH3C2H5 बन जाएगा, तीन तरीके का मिक्सचर बन गया। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल है। बात समझ में आ गई, आया ना, मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट करिए। और लिखिए यहां पर, देखिए हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और इसको ठीक किया दो मोल सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट किया, यहाँ पर जो हमको हायर एल्केन मिली, ये कैसी मिली हमको, सिमेट्रिकल एल्केन, क्या मिली हमको, तो इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, कैसा होगा, हो गया, आगे बढ़ जाऊं, डन, नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो, हो गया, चलिए ये कर लेंगे,
ये रिएक्शन खुद से भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ करके देखिए क्या किया आपने, यहाँ से क्या बना प्रोडक्ट CH3 प्लस खुद से करिए। होगा कि नहीं होगा, चलो आगे बढ़े। क्या प्रोडक्ट बनेगा क्वेश्चन देखिए, अब प्रोडक्ट बताइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन बोला प्रोपेन, खड़ा हो जाए। सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल तीन प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C2H5 और C2H5 CH3। कराया था देखो, अनसिमेट्रिक हो गया। कैसे गलती कर सकते हैं आप लोग इतनी बड़ी, अभी पढ़ाया ना, नोट करिए। इसको लिखने का तरीका यहाँ पर सीखिए, आपने लिया Rx और आपने लिया 2Na प्लस R-X और यहाँ लिया आपने ड्राई ईथर, ऐसा किया ही तो आपने प्रोडक्ट बनाया R-R और R-R। नोट कर लीजिए मिक्सचर। क्यों नहीं बन जाएगा सर, टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन कराओगे तो तुम एक एक मोल लो, एक एक लोगे क्या मॉलिक्यूल, वहाँ तो बंच ऑफ होगा ना। अगर एक मोल की भी मैं बात करता हूँ तो एक मोल में 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल है सर। अब जरूरी नहीं है कि वो सब आपस में ही रिएक्ट करें, इसी तरीके से मिथाइल हैलाइड के भी 6.02 × 10³। जब मैंने एक एक मोल लिया, इतने इतने मॉलिक्यूल हैं तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं, समझ में आया। ये जनरल रिएक्शन है, इसको बैलेंस रिएक्शन नहीं कहते, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो अच्छा कुछ पेजेस ऐड करें तब आपको पढ़ाते हैं। चलिए एक रिएक्शन देखिए और बताइएगा प्रोडक्ट, CH3 CH CH3 CL। मान लीजिए इसका दो मोल ले लिए और इसको ट्रीट किया प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बता सकता है।
अरे आईपीसी बता दो, कॉमन नेम बता दो, मिक्सचर बनेगा कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा कुछ? कौन कौन है मिक्सचर वाला? एक दो और, अरे ये दोनों क्या होता है, एक ही होगा, दोनों क्या होता है? मिक्सचर में तीन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलो चलिए सर देखते हैं, यहाँ बनेगा CH3, CH, CH3, CH, CH, तो बनेगा 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अब एक ही प्रोडक्ट बनेगा सर, क्योंकि ये जो इसको अगर आपने R माना है तो ये RX ही तो है, और ये क्या है, दोनों मोल RX ही तो ले रहे हैं, और यहाँ पर आपने 2NA कर दिया, तो ये अगर हट जाएगा तो ये आपसी में तो बॉन्ड बनाएगा RR, तो इस जगह से वो बॉन्ड बना लेगा। गलत पढ़ा रहे क्या सर? क्यों समझ आया, आया कि नहीं आया? चलिए, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसी बात पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, वरना मैं आगे बढ़ जाता। हाँ तो चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन और कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। More than one option correct. Product दिया है और कह रहा है ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा इस process। किसको लग रहा है कि अब उससे तो नहीं होगा? कौन कौन ऐसा है जो पहले ही हार मान के बैठा है कि हम नहीं कर पाएंगे, और कौन सा बच्चा है जो ट्राई कर रहा है? एक बच्चे ने बोला दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनाएगा, और भाई पीछे कौन नहीं बता पा रहा है? किसको किसको आ रहा है भाई? तीसरा चौथा नहीं बनाएगा, अच्छा। और जल्दी बताइए, अरे लड़कियां कुछ बोल ही नहीं रही हैं, क्यों बताओ भाई? तुम लड़की हो, लड़कियां पूछ रहे हैं, ये लोग तो बता पाए।
क्यों लड़कियों बताओ, आजकल तो वो फीमेल वाला वो चल रहा है मैच इस समय। ये प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट है, रिएक्शन एकदम खत्म होने के बाद तुमसे पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अरे बताओ भैया, अरे क्या नाम है ये लड़के का सबसे पीछे बैठा है, बताओ विकास, क्या नहीं? तबीयत हमारी खराब है, कमजोर तुम दिख रहे हो, हैं? बताओ विकास, खड़े हो जाओ, तुम ही पूछे, इतना पीछे क्यों बैठते हो? एक तो हमारा कलर है, तुम्हारा कलर सेम दिखता उगता है नहीं, बताओ आंसर। नोट्स रिएक्शन खोलो, नोट्स में लिखे हो ना, नोट्स में लिखे हो, पढ़ो रिएक्शन पूरी पढ़ो, खुद ही आंसर आ जाएगा। इसके लिए पॉसिबल है, रिएक्टेंट हमारा कैसा होना चाहिए, जिसमें इवन नंबर होना चाहिए। भैया ये देखिए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इवन नंबर होना चाहिए। इसको दो, देखो करने का सिंपल तरीका, दो बराबर भाग में बांट सकते हो, इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हो क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला वुड्स रिएक्शन नहीं देगा। अब इसको बनाओ, क्या इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हो? ये वाला भी नहीं देगा। जब तुम इसको देखते हो तो क्या इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हो? अरे देखो ना इधर, दो एक तीन एक चार, अब यहाँ देखो क्या, एक दो तीन, तो ये अनसिमेट्रिक है, कैसा है, तो ये भी पॉसिबल, तो ये इसके बाद क्या इसको दो बराबर भाग में बांट सकते हो? बिल्कुल बांट सकते हो, ये देगा, तो टू थ्री और सही है, समझ में आया। चलिए आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बैठ जाइए सर, क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए, खड़े होइए, शांति से खड़े रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है इस चीज़ का कोई? आप बेटा तुम मेरे सामने खास रही हो, एक तो मैं वैसे ही बीमार हूँ, आज मुझे हेडेक हो रहा है। और ज्यादा सोच लिए, एक्चुअली हेडेक उस वजह से नहीं हो रहा है। कौन कह रहा फीस नहीं आई? चलो लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। दूसरा पॉइंट लिखिए, बोथ दी एल्काइल हैलाइड्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए, सेम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स are used in mixture of non-separable alkanes will form kya hoga mixture, example CH3 CL
C2H5Cl और बताइए क्या बनेगा, C2H5 साथ साथ में C। और एक बात और जान लीजिए, ऑल्सो C2H4 के ट्रेसेस भी पाए गए, साइड में लिख लीजिएगा कहीं, इथीन भी बन गया, देख रहे हैं। तो मिक्सचर बन गया और तो इम्प्योर फॉर्म है, कैसे फॉर्म है, इम्प्योर। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़े, चलिए लिखिए, फॉर डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड और फिर एल्काइल क्लोराइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, टर्शरी एल्काइल हैलाइड आर नेवर used in Wood reaction। लिखिए, if halogen is attached with double bonded carbon, then it does not give Wood reaction। लिखो, methane cannot prepared by this method। ओके, हो गया। फ्रैंकलिन रिएक्शन,
कुछ नहीं है, वुड्स की ही तरह है, बस यहाँ पर हमने क्या लेना है, जिंक। रोल कॉल कौन सी होगी, मिथाइल एल्कोहल। अगेन हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। फॉर एग्जांपल लाइक टू मोल्स ऑफ C2H5I को जब हमने ट्रीट किया जिंक इन प्लेस ऑफ एल्कोहल, हमको क्या मिला, C4H10 क्या मिला, ZnI2। ठीक है, क्या मिला, ब्यूटेन। इसके बाद वाली बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉरी हाउस सिंथेसिस। मैं आगे बढ़ जाऊं, हो गया नो, लिखिए कॉरी हाउस सिंथेसिस। यहाँ पर देखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, जैसे R-X। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, इट मस्ट बी प्राइमरी एंड R2CuLi, इसको हम क्या कहते हैं, गिलमेंस रिएजेंट, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एल्काइल ग्रुप है, इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, इट कैन बी टर्शरी। कुछ कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसी याद आ रही है बात, वहाँ प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता था, एलिफैटिक हो सकता था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप था वो कुछ भी हो सकता था, एलिफैटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हाँ कुछ कुछ वैसा लग रहा है। अच्छा, इसको कहते हैं गिलमेंस रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट, लिखो गिलमेंस रिएजेंट। व्हाट इज गिलमेंस रिएजेंट एक्चुअली, इट इज डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। राइट, हमने भैया इनको किया हीट, हमारा जो प्रोडक्ट बना, द प्रोडक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज R-R, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप तो प्रोपेन बना सकते हो, पहले प्रोपेन नहीं बना सकते थे, तो लिखो, और मीथेन इसमें भी नहीं बनेगा, लिखो एल्केन और ये कैसा एल्केन है, अनसिमेट्रिकल। That is having odd number or even number of carbon atom। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। राइट, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलिए। चलिए पढ़ाएं आगे, लिखो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर दिस
reaction is useful for preparation of unsymmetrical alkenes on alkenes having odd number of carbon atoms like CH3CN. इसको ट्रीट किया CH3 का होल ट्वाइस LiCu और इसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा CH3CH3 प्लस CH3Cu प्लस LiCl. इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने इसको ट्रीट किया C2H5I को ट्रीट किया C3H7 का होल ट्वाइस LiCu के साथ तो हमको क्या मिलेगा पेंटेन मिलेगा. क्या मिलेगा तो मिलेगा C2H5C3H7 दैट इज C5H10 दैट इज पेंटेन. पांच कार्बन है ऑड नंबर प्लस C3H7Cu प्लस LiCl हो गया. आया ना एक क्वेश्चन मैं दूं करके बताएंगे. देखिए नोट कर लो. चले आगे बढ़े. एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ देखिए. CH3Cl और इसको ट्वीट किया हमने CH3 का होल ट्वाइस CH कोई प्रोडक्ट बता दे. क्या बनेगा प्रोडक्ट प्रतीक तुम बताओगे बना के बताओ. काजल मैं बना के दिखाऊं. अरे आप लोग बनाइए तो यहाँ ये हो गया भैया और ये पूरा हो जाएगा. ये हो जाएगा CH3CH CH3 और CO तो यही तो बनेगा प्रोडक्ट. और साथ में क्या बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CHCU और LiCl. ये क्या है क्या तो कहेंगे सर 2-methylpropane. तो बहुत टफ चीज़ थी क्या. अगर तुम इसको सिंपली बनाते तो ये कुछ इसी तरीके से तो बनता. यही तो लिखा था R2 कहते हैं ना इसको. ये R हो गया ना और ये हो गया तुम्हारा R डैश.
कहाँ लगा दूँ, लगाओ नहीं, लगा के देखो ना तुम, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर एक और लगा दोगे तो बॉन्ड कैसे बनाओगे क्रोम कॉपर के साथ, सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। पेंटावेलेंट बना दोगे क्या? बताओ, नहीं हो सकता ना। हम बता रहे कि तुम बता रहे, जहाँ तुम कह रहे हो एक और से स्त्री लगा दीजिए, इसमें इसमें क्यों लगा देंगे? अरे वही बात हो गई ना, इस पे लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं एक ही बात ना, उसी को तो एक्सपैंड किया है बेटा। अगर लगा दोगे तो ये पूरा एक अलग कंपाउंड हो जाएगा, तो फिर इसका ये कहाँ, इससे कैसे अटैच करोगे? हाँ, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? हाँ, कहाँ से ले आओगे? बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो बाय, थैंक यू।